हेलो एंड वेलकम जी, सत श्री अकाल। तुसी इमीग्रेशन साइट से मनदीप देख रहे हो तो मैं आस करती हूँ ठीक ठाक होवोंगे तुसी सारे। इस प्रोग्राम के तहत हमेशा तुहानू गाइड करते हैं कि किदां तुसी ड्रीम डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ਤੇ ਚਰਚਾ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਵੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ PR ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੀਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਕਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਏਜੰਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਟ ਵੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਮਤਲਬ ਪਲਾਨ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਪਾਸ ਮੇਂ? जी मनदीप, सबसे पहले तो पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के बगैर तो कोई भी बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट आप बनवाइए। सेकेंडली इसके बाद डिपेंड करता है कि भाई आपका क्या ऑक्यूपेशन है, उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट। एम्बेसी चाहती है कि भाई आप मेरे कंट्री में घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप जेन्युइन कैंडिडेट है, और उसके बाद आप वापस चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है जी, आप जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट हो। यहाँ पे मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट, इंडिया में क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, अगर इंडिया में जब आप रह रहे हैं तो जिस प्रोफेशन में है तो उससे रिलेटेड, और बाहर जा रहे हैं तो वहां से आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कनाडा से। राइट, देखिए अब बात करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बिजनेस के डॉक्यूमेंट देने होंगे, शो करने होंगे, जिसमें आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा आपका GST का सर्टिफिकेट, इसके अलावा करंट अकाउंट स्टेटमेंट, बिल्स जितने भी हैं, इसके अलावा आपका क्या नाम है ITR, इसके अलावा आपका विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। अगर आप जॉब करते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो उस हिसाब से आपकी ITR फॉर्म 16, GPF PPF की स्टेटमेंट, इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसके अलावा सैलरी अकाउंट में आ रही है उसकी स्टेटमेंट चाहिए। आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो एग्रीकल्चरिस्ट के हिसाब से आपके पास जमीन, फर्द, जॉब जमाबंदी, जे फॉर्म लास्ट 2 ईयर के, और ITR एज पर द जो उसकी इनकम है। अगर आप पेंशनर हैं तो पेंशन के डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे कलेक्ट करने हैं। सेकंडली आप जा रहे हैं, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं ये देखना होगा। मैरिड है तो आपके स्पाउस के भी डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट अकेडमिक डॉक्यूमेंट में चाहिए, आपके स्पाउस के भी डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके भी अकेडमिक डॉक्यूमेंट चाहिए, उनका भी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। स्पॉन्सर आपके पेरेंट्स कर रहे हैं तो पेरेंट्स के भी ऑक्यूपेशन के डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनके भी फंड्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो FD है, सेविंग है, गवर्नमेंट जॉब है तो GPF PPF EPF की स्टेटमेंट, इसके अलावा आपने इंश्योरेंस में पैसा लगा रखा है, आपने शेयर खरीद रखे हैं, आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रखा है, तो वो सारी चीजें। CA वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिएगी कि भाई आप रियली फाइनेंशियल फैमिली से, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो लिक्विड और फिक्स असेट्स जो भी हैं, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, प्लॉट, उन सब के डॉक्यूमेंट, आर्किटेक्चर की वैल्यू, और CA फिर अपना लिक्विड डाल देगा उसमें कि आपके पास फंड्स कितने हैं, FD में है, सेविंग में है, पोस्ट ऑफिस में है, PF है, GPF है, गोल्ड आपके पास कितना है, तो CA वैल्यूएशन रिपोर्ट ये बनेगी। ठीक है, अब आप अब्रॉड जा रहे हैं तो आपको बुला कोई रहा है या नहीं रहा है ये देखने वाली बात है। क्वेश्चन है, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। अब यहां पे कई
जो कैंडिडेट्स हैं वो जाते हैं कि उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं तो कॉन्वोकेशन लेटर, उसका स्टडी परमिट, ठीक है, उसके एकेडमिक डॉक्यूमेंट, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसकी स्टडी की प्रोग्रेशन रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कॉन्वोकेशन लेटर का लेटर है वो चाहिएगा, साथ साथ में अकोमोडेशन का प्रूफ। और कॉन्वोकेशन नहीं है और आप वैसे जा रहे हैं बच्चों से मिलने, अपने स्टडी पे है आपका बेटा या बेटी, यूनिवर्सिटी अगर आपको लेटर लिख के दे दे कि भाई ऐसे ऐसे ये स्टूडेंट है यहाँ पढ़ रहा है और ये अपने मम्मी पापा को या भाई बहन को या जो भी जिसको भी बुला मिलना चाहते हैं बुला रहे हैं, जो भी जा रहा है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, तो वो डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा सपोज करो कि कॉन्वोकेशन भी नहीं है, इधर से यूनिवर्सिटी भी लिख के नहीं दी, तो स्टूडेंट खुद इन्विटेशन लेटर दे सकता है कि भाई काफी टाइम हो गया मुझे अपने मम्मी पापा से मिलना है, अपने भाई बहन से मिलना है, तो वो ओथ कमिश्नर से रजिस्टर्ड क्या नाम करा के और वो इनविटेशन और अलोंग विद ऑल डॉक्यूमेंट जो एकेडमिक मैंने बताए, स्टडी परमिट है, जितने वीजे लगे हैं उसकी कॉपी, इसके अलावा जॉब कर रहा है पार्ट टाइम फुल टाइम उसके डॉक्यूमेंट्स, टैक्स पे कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट, अकोमोडेशन के प्रूफ, तो ये तो हो गया स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि भाई कोई रिलेटिव रहता है वहां पे, रिलेटिव कोई भी हो सकता है, आपका बेटा बेटी भी हो सकते हैं, जब स्टडी खत्म होगी इसके बाद वो पीआर पे या वर्क वीजा पे या सिटीजनशिप है, माइट भी कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपका ब्रदर है, आपका सिस्टर वहां रह रही है, आपका कोई कजन रह रहा है, आपके मामा रह रहे हैं, मामी रह रही है, कोई और आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं, मैटरनल पेरेंट्स रह रहे हैं, या फिर कोई फैमिली फ्रेंड रह रहा है, तो उनके डॉक्यूमेंट, एक तो उनकी तरफ से इनविटेशन लेटर, साथ साथ में वो जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसके बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्स, जॉब करते हैं तो जॉब के डॉक्स देने होंगे, टैक्स के पेपर और फंडिंग जो आप उनके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। इसके अलावा सपोज करो कोई आपका रिश्तेदार वहां नहीं है तो माइट बी आप घूमने जा रहे हैं एज ए टूरिस्ट वीजा पे, तो आपका आइटनरी प्लान होना चाहिए, ठीक है, आइटनरी प्लान में कि भाई आप कहाँ कहाँ कनाडा में घूमेंगे, ये पूरी आइटनरी आपकी होनी चाहिए, आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप कहाँ लैंड करेंगे, टोरंटो जा रहे हैं तो टोरंटो में क्या देखेंगे, आपने नियाग्रा फॉल देखना है, आपने इस एरिया में जाना है, इस एरिया में जाना है, उसके बाद आपने ब्रिटिश कोलंबिया जाना है, आपने क्यूबिक जाना है, तो जो जहां पे भी इन्होंने जाना है 10-15 दिन हफ्ता जहां भी रहना है जो जो उन्होंने घूमना है उन सबका ट्रेवल प्लान पूरी आइटनरी हाई कमीशन को देनी होगी, साथ साथ में जहां जहां जाएंगे वहां वहां की होटल बुकिंग भी होनी चाहिए, ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं और साथ में इंडिया से आप फाइनेंशियल साउंड होने चाहिए, आपके पास फंडिंग अच्छी होनी चाहिए और आईटीआर स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई आपकी ट्रेवल हिस्ट्री है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। इसके अलावा माइट भी आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, कोई बिजनेस के लिए जा रहे हो, तो बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो नेचुरल सी बात है आपने जिसने आपको इनवाइट किया है, कोई आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है तो कॉन्फ्रेंस की इनविटेशन हो, ठीक है, अगर आप कोई किसी बिजनेस ट्रिप पे हैं तो जो कंपनी आपको बुला रही है तो उनकी आपकी कोरेस्पोंडेंस, उनकी तरफ से इनविटेशन लेटर, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बिजनेस ट्रिप के लिए देने होंगे और साथ साथ में इंडिया में आपका सेम बिजनेस है वो आपने कोरिलेट करना पड़ेगा कि भाई मेरा इंडिया में ये बिजनेस है, मैं बाहर इसी बिजनेस के पर्पस से जा रहा हूं या कोई नया बिजनेस भी मैं देखने जा रहा हूं, तो जो भी आपका बिजनेस इंडिया में जो नेचर है वो सारे डॉक्यूमेंट, साथ में बाहर जो भी कंपनी आपको या अटेंड मतलब इनवाइट कर रही है तो वहां से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। इसके बाद आपका बिजनेस विजिटर वीजा भी लग सकता है। देखिए अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एज ए विजिटर कम जाता हूँ, मैं मतलब घूमने के लिए टूरिस्ट या विजिटर कम जाता हूँ, मैं बिजनेस ट्रिप्स पे जाता हूँ तो मेरा बिजनेस विजिटर वीजा लगता है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा हूँ तो वहां से कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन आता है, होटल बुकिंग होती है, मेरे प्लान पूरे प्लान ऑलरेडी होते हैं उनकी कंपनी की तरफ से कि पहले दिन क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, उससे नेक्स्ट डे क्या होगा, तो वो सारे के सारे प्रूफ, मैंने कोई मान लो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए कोई पैसा डिपॉजिट कराया तो उसकी रिसिप्ट, साथ साथ में इंडिया में मेरा बिजनेस है तो इसकी मेरी सारी के सारी क्या नाम है डॉक्यूमेंटेशन, तो हाई कमीशन बिजनेस विजिटर वीजा देती है। इसके अलावा माइट भी मैं अगर मान लो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने नहीं जा रहा, ये मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि जो बिजनेसमैन है तो उनको समझ में आ जाएगा कि कोई एग्जाम्पल
मैच हो रहा है, ठीक है। मैं, मेरा जैसे इमिग्रेशन का बिजनेस है तो मेरे बिजनेस पार्टनर कौन है, मेरे यूनिवर्सिटीज कॉलेज है, तो उनकी तरफ से इनविटेशन हो गया, ठीक है। मान लो कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है तो उनकी तरफ से इनविटेशन हो गया कि भाई हम मिस्टर प्रदीप बालन को इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो ये ही विल विजिट इन आवर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज पर्टिकुलर सो एंड सो डेट, ठीक है। तो होटल बुकिंग होगी प्लस में वो मेरे पास क्या नाम है इनविटेशन हो गया, एक यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर तीसरी में जाना है, फिर चौथी में जाना है, सबका इनविटेशन लेटर लग गया, ठीक है, वीजा लगेगा। ओके, अब आपने होटल बुकिंग शब्द यूज किया, होटल बुकिंग पे वीजा लगता है, लेकिन वो भी प्रोफाइल पे डिपेंड है, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे बोलते हैं कि होटल बुकिंग पे वीजा लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट आपकी बिजनेस प्रोफाइल है, इसलिए जिनकी बिजनेस प्रोफाइल होगी उनका होटल बुकिंग पे वीजा लगता है। मतलब देखो ये ना केस टू केस की बात है, अब कोई 25 साल का कैंडिडेट आ जाए और वो 4-5 लाख रुपए की ITR भर रहे हैं, ठीक है, फंड्स उसके पास 7-8 लाख रुपए ही हैं, ठीक है, ठीक है, और वो कहे कि जी मैं क्या नाम है होटल बुकिंग मैं कर रहा हूँ, मैं बस एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कनाडा को, तो सक्सेस रेट कम है, ठीक है, कि भाई उसने इंडिया तो घूमा नहीं और उसकी इमिग्रेशन हिस्ट्री नहीं, किसी वर्ल्ड के किसी और कोने में गया नहीं, ठीक है, कहीं वो आसपास नीरेस्ट कंट्री में नहीं गया, और वो 5-7-10-8-10 लाख रुपए उसके पास है, 4-5 लाख 5-6 लाख रुपए की ITR है, तो वो 10 दिन के लिए जा रहा है जहां 15 लाख रुपए लगने, उतनी तो उसके पास सेविंग भी नहीं है, उसकी एनुअल इनकम भी नहीं है, साल की इनकम भी नहीं है, तो नहीं आएगा, ठीक है। ये आएगा होटल बुकिंग पे जो कैंडिडेट वास्तव में फाइनेंशियल साउंड है, ठीक है, जिनकी ITR स्ट्रॉन्ग है और जिनकी CA वैल्यूएशन रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और जहां मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया उसकी मान लो 5-7 लाख रुपए की ITR है, 8-10 लाख रुपए उसके पास है, वो किसी बिजनेस में किसी जॉब में है, लेकिन उसकी फैमिली बड़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल साउंड है, ठीक है, फादर माइट भी बहुत बढ़िया बिजनेसमैन हो, मदर अच्छे बिजनेसमैन या जॉब पे हो, उन दोनों की ITR बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, तब वो कैंडिडेट जो होटल बुकिंग पे है और 5-7 लाख रुपए की ITR है उसका वीजा तब लग सकता है, तब लग सकता है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं, और एज पर द इमिग्रेशन वेबसाइट ये बात है, पब्लिक पॉलिसी में आज की डेट में पब्लिक पॉलिसी के अंडर 2025 तक जो भी कैंडिडेट टूरिस्ट वीजा पे या विजिटर वीजा पे वहां पे जा रहा है तो वो अपना वीजा वहां पे चेंज करा सकता है वर्क वीजा में, ठीक है। अगर आपके पास एम्प्लॉयर है तो आपका विजिटर वीजा टूरिस्ट वीजा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वेस्टर्न ओवरसीज का ऑफिस है जी मिसिसागा में और इधर नोवा स्कोशिया में, तो अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। सर मुझे एक चीज और बताएं कि हम स्टडी के केसेस में RCIC की हेल्प लेने के लिए बोलते हैं कि आप RCIC की हेल्प लोगे तो वीजा लगेगा, अगर सेम टूरिस्ट वीजा विजिटर वीजा बिजनेस इन्वेस्टमेंट अप्लाई करना है तो वहां पे भी RCIC वर्क करते हैं? हकीकत तो यही है कि RCIC ही ऑथराइज है, ओके, और उन्हीं के थ्रू वीजा अप्रूव होने के साथ, अदरवाइज मोस्टली कैंडिडेट जो कंसल्टेंट हैं अगर वो RCIC नहीं है तो वो कैंडिडेट के बिहाफ पे फाइल लगाते हैं, ठीक है, ओके। तो हम RCIC हैं, हम तो RCIC के पोर्टल पे ही फाइल लगाएंगे, ओके, और उसी चीज का बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया गलबात करने के लिए, थैंक यू जी। अच्छा जाते जाते एक सवाल और, कोई पर्टिकुलर समय होता है कि इस समय पे विजिटर वीजा लगता है, इस समय पे टूरिस्ट वीजा लगता है? जैसे क्रिसमस की प्रमोशन अभी थोड़े दिनों में होनी शुरू हो जाएगी, न्यू ईयर की होनी शुरू हो जाएगी, तो ऐसा कुछ होता है? डिपेंड करते, देखो ये तो ओकेजन आते रहते हैं और अच्छी बात है कि जैसे क्रिसमस है न्यू ईयर है तो ये एक अच्छा ओकेजन होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, वीजे भी लगते हैं जी, डेफिनेटली वीजे लगते हैं, बट देखना ही होगा कि कौन सी कंट्री में आप जा रहे हो, उस टाइम वहाँ वेदर कंडीशन क्या है, ये भी मैटर करता है, ओके, ठीक है, शुक्रिया सर जी, थैंक यू, फिर तो हाजिर होंगे, ख्याल रखो जी, सत श्री अकाल।